पठान देखी थी सर, क्योंकि बिग शाहरुख फैन, कुछ कमेंट नहीं करेंगे बट अच्छी थी। उसको साबुन का प्रोडक्ट शॉट, साबुन पकड़ के साबुन से नहा रहे, मतलब नहा रहा है ये, क्या ऐड हो गया यार। मुराकामी आप कभी भी पढ़ते हो तो वो 10 दिन आपके साथ ही रहता है फिर। एवरीवन शुड रीड इज गॉडफादर, एक बार पढ़ ली आपको हाथ के आप दूसरी बार पढ़ने का मन करेगा, ऐसी कोई बुक ही नहीं है। द वे अल्फांसो कुआरोन शोड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में हॉगवर्ट्स, पूरा कैरेक्टर ही दे दिया यार, मतलब लाइट ही मतलब नहीं थी मूवी में। हाँ हाय विशाल, हाउ आर यू? वेलकम टू चलचित्र टॉक्स। थैंक यू, काफी टाइम से हम प्लान कर रहे हैं जो हाँ, आज जाके सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैंने आज ना सुबह स्टोरी डाली थी कि मेरा विशाल दया के साथ एपिसोड है, आप कैसे, कोई अच्छी सी फोटो ढूंढ रहा था कि उसको लिख के कि कोई क्वेश्चन बताइए। सो किसी ने क्वेश्चन पूछा था और वो मेरे को लगा है कि मेरे को भी जानना है, एंड आई नो इंटेंशनल है, बट स्टिल आई आई थॉट आई विल चेक। जब आप वीडियोस बनाते हो तो यू नेवर लुक इन द कैमरा, यू लुक नीचे, तो आप खुद को देख रहे होते हो, राइट? हाँ हाँ, और वो फिर आपने कभी चेंज नहीं किया वो, क्योंकि उसमें भी जोक आता है। मैं वीडियो बनाता ही नहीं था ना, सो इट्स जस्ट आई वाज ऑलवेज बिहाइंड द पर्सन गाय, कभी डायरेक्ट कर लिया, लिख लिया। तो ये रील वाले जब मैं बीच में थोड़ा बहुत शुरू किया था, तब वो डायरेक्ट कैमरा में देखने वाली आदत ही नहीं रही है, बिकॉज व्हेन यू आर डायरेक्टिंग फिल्म्स एंड ऑल, तो इट्स ऑलवेज अगेंस्ट की कैमरा में मत देखो मत देखो, वो मैं अभी भी तुम्हें नहीं देखूंगा कैमरा में, मैं ऐसे सामने ही देख रहा हूँ। सो इट डजंट कम नेचुरली टू मी, और रील में क्या ही फर्क पड़ रहा है किसी को, तो कहीं भी देखो यार। आपका ये जो स्टाइल है ना, मैं तो एक आपकी कोई ब्रांड इंटीग्रेशन देखी थी, वो मेरे को इतनी सही लगी, बिकॉज आपने अपने स्टाइल में बनाई कि पहले ये करने के लिए ये ऐप यूज करनी पड़ती थी, ये करना पड़ता था, ये हाँ करना पड़ता था, एंड आई वाज लाइक ब्रो ये कैसे लैंड करा। एक ब्रांड मान गया एक बारी में कि यार मैं मेरे स्टाइल में करूंगा, ये वर्क करेगा। वो वाला तो एक्चुअली ब्रांड का ब्रीफ था, बट मेरा जनरल एक यही सो टू गो मतलब रूल है कि कोई लिख के नहीं देगा, बस तो लिखूंगा मैं खुद ही, उसके बाद तुम चेंजेस करवा लो ये कर लो, बिकॉज काफी सारा वो एड जोन में चला जाता है, अगर वो लिख के जब दे दो ना तो वो बहुत ही एलियनेट हो जाता है। मुझे भी कुछ इतने तो कुछ बढ़िया पैसे मिलते नहीं है कि तुम सब कुछ ही मान लो उनकी बात, तो या तो आ गया तो वो मान गया तो बढ़िया है, नहीं तो जाने दो। गॉट इट, गॉट इट। और आप बैंगलोर बैंगलोर रहते हो? लास्ट ईयर शिफ्ट हुआ था, उससे पहले मैं 7-8 साल बॉम्बे में था, और उससे पहले दिल्ली पूरा लाइफ। मुझे वेदर बहुत ज्यादा पसंद है बैंगलोर का, तो मैं 1 साल पहले रह चुका था जब एकदम कॉलेज से जस्ट पास आउट हुआ था, तो 1 साल बैंगलोर में किसी एक स्टार्टअप में काम किया था, तब मुझे एकदम प्यार ही हो गया था। फिर मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे तुम्हें पता ही है क्या अलग ही लेवल पे गर्मी वगैरह सब है, तो बट उधर रहना पड़ रहा था, बट देन आई हैड अ चॉइस अभी, और मेरी वाइफ की जॉब भी बैंगलोर में थी, मैंने कहा कि ठीक है बैंगलोर ही शिफ्ट होते, तो लास्ट ईयर शिफ्ट हुए थे, बट ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल में वापस बॉम्बे जाना पड़ेगा क्यों क्यों क्यों? यार, बहुत ज्यादा हेक्टिक है यहाँ पे। एक तो लाइक मतलब अगर एयरपोर्ट भी जाना है ना, तो तुम्हें 2.5-3 घंटे हाथ में रख के जाना है, तो यहाँ से मेरे घर से ही एयरपोर्ट, और बहुत सारे जोक बन चुके हैं, बट इट्स एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। तुम HSR से अगर एयरपोर्ट जा रहे हो तो वो 1.5-2 घंटा लगा देता है, एंड देन एवरीथिंग इज लाइक तुम्हारा पूरा दिन खराब ही हो गया। बैंगलोर में एयरपोर्ट से घर तक के हेलीकॉप्टर चालू हो गए ना? चालू हो गया, पता हाँ हाँ नहीं लाइक भाई। लाइक अभी लाइक कोई अभी गया था, मेरा हेलीकॉप्टर चल रहे है एयरपोर्ट हो से। सकता है वो भाई रिक्वायरमेंट है, ये लेजिट एक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर आपने गलत टाइम पे जैसा वो टिकट बना लिया फ्लाइट का 8-8:30 का, देन यू स्टिल हैव टू लीव एट 3, क्योंकि अगर आप 5 बजे निकलोगे आप 8 ही बजे पहुंच रहे हो, तो 3 बजे निकल के एटलीस्ट 4:30-5 तो पहुंचोगे। हेलीकॉप्टर बना लिया तो यूज करेंगे फिर सही है। तो हम आज आपसे काफी सारी रिकमेंडेशंस लेना चाहते हैं, एंड लाइक मैं पहले चालू करूंगा एड्स के बारे में ही हम बात करेंगे, हम आपकी एक ब्रांड इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, तो आप वैसे एड्स के शौकीन हो? I was never into ads. It's purely by like luck and coincidence. क्योंकि AIB में हम लिखते थे and those weren't ads. वो हम स्केच लिखते थे और बीच में किसी ब्रांड का इंटीग्रेशन हो गया, तो आप 15 मिनट के वीडियो में अगर 30 सेकेंड कुछ डाल रहे हो तो वो एड नहीं है, वो मतलब आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के कि इधर फिट हो रहा है वो, लाइक यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट इन 30-40 सेकेंड फॉर्मेट, और मेरा कभी इतना खास इंटरेस्ट नहीं था कि
मतलब टीवी पे देखते तो थे ही ऑब्वियसली, पर चमक जाए कुछ अच्छा लगे मनोरंजन का बाप और ये सब, तब तो बहुत ही बढ़िया। बट आई वॉज नेवर क्यूरियस इनफ कि सर्च करके देखूं। बट जब मैं इस इंडस्ट्री में घुसा था तब मैंने बहुत सारे एड्स देखे। फिर इट्स लाइक द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट जिसमें काफी सारी क्रिएटिविटी चाहिए तुम्हें, टू मतलब 30 सेकंड में तुम्हें प्रोडक्ट भी लैंड कराना है और उसको मेमोरेबल भी बनाना है। बेस्ट एड्स दैट आई लाइक इज जो थाई कमर्शियल्स होते हैं, जस्ट सर्च थाई फनी कमर्शियल्स। ओके, तो उसमें 12-13 मिनट की कंपाइलेशन होंगी और वो 30-30 सेकंड के वो अलग ही लेवल पे चलाते हैं यार वो एड, बहुत ही ज्यादा यूनिक क्रिएटिव। और वो सब इंडिया में अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि दे जस्ट वो ये चीज बोलनी है तो वो ऐसे करके वो नीचे से हाथ डाल के वो कैसे, मतलब वो एकदम ही बाहर का जो सोच होता है ना, प्रॉपर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थाई एड्स में होती है। हाँ तो मुझे कभी भी मतलब थोड़ा इंस्पिरेशन, जैसे कभी ब्लॉग आ गया या कुछ आ गया तो बैठ के वही देखते रहते हैं, 15-20 मिनट में थाई एड्स देख लेता हूँ। और अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन वगैरह चाहिए तो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ लाइक एप्पल, जो भी बनाता है एड्स में म्यूजिक बहुत अच्छे होते हैं। और अभी जो वो स्केचेस करने लगे हैं धीरे धीरे 1-1 मिनट के, वर्क एप्पल ने एक सीरीज बनाई थी फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम हाँ होम ही था ना। हाँ, क्या जिसमें चार किलर, लोग उसमें अपना स्टार्टअप चालू करते हैं। क्या शानदार सीरीज थी ना। एक तो पॉइंट कन्वे हो रहा है सारा, बहुत हाँ ज्यादा इन द फेस मार्केटिंग नहीं हो रही, वो इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि एप्पल ही डाल रहा है। जस्ट इन जनरल भी कि वो ऐसा कहीं बोल नहीं रहे कि मैंने अपनी मैकबुक खोल के मैं आइडिया लिख लेता हूँ इसमें, हाँ ये सब नहीं होता। वो प्रोडक्ट दिख रहा है तुम्हें एंड दे आर वेरी श्योर कि मतलब जैसे रेडबुल करता है कि उसको बताने का नहीं है कि मैं रेडबुल पी रहा हूँ, वो रेडबुल फ्रेम में कहीं पड़ी रहेगी आपको दिख जाएगी एंड इट्स वेरी सटल। एज यू वॉच मोर आपको पता लगने लग जाता है कि हाँ थोड़ा एनर्जी वाला एड है या थोड़ा कंपेटिटिवनेस है तो रेडबुल का हो सकता है और फिर कहीं पे वो कैन दिख जाएगा। देर इज दिस वीडियो ऐसे वेयर इट शोज की द प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स ऑफ एप्पल एंड टेड लासो, कि हाँ कितनी सारी फ्रेम्स में लाइक ऐसे 200-250 बार इधर उधर, कभी टैबलेट पे मतलब आ गया, कभी आईपैड पे आ गया, मैकबुक पे आ गया, कि एप्पल प्रोडक्ट इंटीग्रेशन एंड टेड लासो। तो अपने यूनिवर्स में एप्पल कैसे एप्पल को ला रहा है। हाँ और वो आपको कभी देखते हुए जैसे अभी बता दी तुमने तब लोग नोटिस करेंगे कि हाँ ये तो काम ही सारा मैक पे कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट वेन यू आर वॉचिंग इट्स नेवर जारिंग टू दी आई। उन्होंने एक तो एस्पिरेशन भी ऐसी बना दी है कि सारे बड़े अच्छे लोग ही एप्पल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सो दे आर नॉट इवन टारगेटिंग इन अ वे जहाँ पे दे हैव टू स्पेसिफिकली से एनीथिंग अबाउट देयर प्रोडक्ट कि हमारा इससे बेटर है, वो अज्यूम करके चल रहे हैं हमारा इससे बेटर है। एप्पल का एक एड है वो एनिमेशन वाला, इंटेंशन मोशन ग्राफिक एनिमेशन है वो। सो मैं वो लोगों को यस बैठ बैठ के बहुत दिखाया है मैंने वो वाला एड, प्रिवेसी वाला भी बहुत सही था, मुझे काफी प्रिवेसी सारे वाला। बहुत सही लगते हैं, हाँ पर्सपेक्टिव वाले भी बहुत सही थे। सो ये मतलब मेरा एज सच कमिंग बैक टू द टॉपिक, एज सच कुछ ऐसा क्यूरियोसिटी नहीं था एड्स को लेके, बट अभी और थोड़ा हेल्प भी होता है इफ यू आर अनअवेयर ऑफ मोस्ट थिंग्स तो आपको सोचने में हेल्प होता है। उसके बाद सर्च बहुत कर लो, सही। एक बार 10-10 आइडिया लिख लिए उसके बाद सर्च कर लो कि ये साला हो तो नहीं चुका है ना, ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है। अगर आप पहले ही 50 एकदम ताबड़तोड़ एड देख लोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो गया, फिर आप क्या ही सोच रहे हो। फिर एक बहुत ही सटल सा इंटीग्रेशन, आई डोंट नो इफ इट वॉज इंटीग्रेशन और नॉट, बट लाला लैंड का जो ओपनिंग सीन था ना, हाँ जो वो बड़ा वाला गाना था उसका जो रिहर्सल हुआ था वो सिर्फ आईफोन पे हुआ था, मैं मेकिंग देख हाँ रहा था उसकी। सो आई वाज यार वंडरिंग इफ दे हैड पेड देम टू से दिस और टू डू दिस और टू डू एनीथिंग ऑफ दिस, बट वो पेड लग नहीं रहा था मुझे, बट हो सकता है क्योंकि बहुत सटल था और वो काफी बार आईफोन आईफोन बोल रहे थे उसमें। हाँ अब जैसे आपने पठान देखी, पठान में एक सीन है जहां पे दे आर डिस्कसिंग समथिंग इन दी होटल रूम एंड शाहरुख सडनली स्टार्ट्स ईटिंग दैट एपिगामिया का लाइक वो योगर्ट, राइट। और देखा यार ये तो, एंड आई नो कि आई थिंक दीपिका इज एन इन्वेस्टर इन इट, राइट। बट मान लो कि अब मैं कुछ लिख रहा हूँ, मेरी पिक्चर में शाहरुख दीपिका है, और मेरे को यार यहाँ एक इंटीग्रेशन डालते हैं, यहाँ पे अपन स्लाइस लेके आते हैं। तो क्या प्रोसेस होगा कि मैं किसी को बोलूंगा कि मतलब मेरी टीम से कोई जाके स्लाइस को अप्रोच करेगा कि एक पिक्चर आने वाली है जिसमें दीपिका शाहरुख है, तो हमें बहुत सारा पैसे दे दो, हम आपको 3 सेकंड के लिए दिखाएंगे। लाइक व्हाट, हाउ डज इट वर्क। सो इट वर्क्स बोथ वेज, कभी कभी आपका ब्रांड पहले से भी होता है, इन द प्रोसेस ओनली इट गेट्स इन्वॉल्व। जैसे अगर
शाहरुख मान लो एंडोर्स कर रहा है ह्यूंडई वगैरह कुछ भी, मतलब ह्यूंडई वाले उनको बोलेंगे कि अगर ऐसा कुछ होगा आप किसी मूवी में कर रहे हो सो वी विल बी ऑन बोर्ड विद दैट। तो अब वो कोई गाड़ी चलाएगा तो वो ह्यूंडई की चलाएगा। नाउ दैट इज अ वेरी सटल इंटीग्रेशन, बट वो एपिगेमिया वाला आपको दिख रहा था कि ये साला उस टाइम खाने की जरूरत नहीं थी, फिर वो ये उसका प्रोडक्ट शॉट दिख रहा है। सो दिस लुक्स लाइक एपिगेमिया केम एंड उन्होंने बोला कि डालो हमारा कहीं पे, और दे मस्ट हैव हैड एन ओपन पिच कि हम दो तीन तो कर सकते हैं तो बताओ, और एपिगेमिया ने मतलब उस पर जीत लिया। बट इट वाज नॉट अ गुड इंटीग्रेशन But there must be shit ton of money in this, no? When यार, it comes shit to ton, film. यार, too much money. मतलब तुम देख लो ना, आधे इंडिया ने देख लिया अगर मूवी तो तुम्हारा मार्केटिंग तो कितना फैल के हुआ है। और कौन से ब्रांड्स है जो आपको लगता है कि यार इनका मेरे को यार गेम बहुत स्ट्रांग लगता है, एड्स वाला या ब्रांडिंग वाला? एप्पल टीवी के जो एड्स आने लगे थे बीच में टिमिथी शैलमे और इन सब के, इट्स जस्ट टिमिथी शैलमे लुकिंग एट डिफरेंट एप्पल सीरीज कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये सीरीज अच्छा, तो मैं ये भी मैंने कर। देखी है सीरीज, बट मैंने किसी और एक्टर के साथ देखी है। हाँ 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 मतलब उसमें उन्होंने इतना बड़ा एक्टर ले लिया ऑस्कर नॉमिनी और ये सब, तो हाँ इसलिए वो बहुत चल गया। नाइकी के मुझे जस्ट द शियर प्रोडक्शन वैल्यू जो उनके साथ होती है कि यार वो एड में दे आर सेइंग एवरीथिंग विदाउट लाइक, मतलब जूता बेच नहीं रहे हम, उसके साथ डांस कर रहे हैं, भगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और शुरू के जो नाइकी के थे, देयर वाज दिस जस्ट वन एड जहाँ पे एक बंदा सिर्फ भाग रहा है, ठीक है, जॉगिंग कर रहा है थोड़ा सा हेल्दियर साइड में, एंड इट्स एन एम्प्टी रोड एंड ही इज जस्ट जॉगिंग, और वो एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है एंड देयर देयर इज अ वेरी नाइस मैसेज व्हिच आई हैव फॉरगॉटन। मुझे थोड़ा सा सटल जोन पसंद है, इन योर फेस वाला थोड़ा वियर्ड हो जाता है मेरे लिए, और इंडिया में काफी सारे ब्रांड्स अभी आजकल यही करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि यार तुम थोड़ी तो क्रिएटिविटी दिखाओ, क्योंकि एफएमसीजी वगैरह दे डोंट केयर कि इसमें क्रिएटिव है या नहीं, उनका साबुन बिकना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, तो वो उसको साबुन का प्रोडक्ट शॉट, साबुन पकड़ के साबुन से नहा रहे, मतलब नहा रहा है ये क्या ऐड हो गया यार। उस जोन में मेरा थोड़ा सा अगेंस्ट रहता हूँ मैं कि ये सब तो नहीं करना है, क्योंकि ये एक तो इतना ऑलरेडी हो चुका है और इसमें कुछ नया होगा भी नहीं। साबुन वाले में मेरे को एक हमेशा लेकिन वो याद रहता है कि जब शाहरुख खान एक बाथटब में था, अब 10 में लक्स, 10 में लक्स, और सारी एक्ट्रेसेस बट वो आती आपको दो बार ऐड दिखाएंगे याद नहीं रहेगा, ये याद इसीलिए क्योंकि इट वाज पेस्टेड सो मच कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में इतना खर्चा कर दिया था, आपके दिमाग में चढ़ गया वो। जो मेरे को एक ब्रांड है जो बहुत पसंद है, ये लकोस्ट बोलते हैं, लकोस्टे बोलते हैं, द लकोस्टे, हाँ लकोस्टे के एड्स कितने खतरनाक होते हैं यार। अ न्यू लीप करके उनका एक एड है, लाइक वेरी सॉलिड एड्स, एंड आई एम लाइक भाई एड में यार तुम कुछ भी कहीं भी देख लो, जैसे वो हेनिकेन के आए थे ना शायद, वो भी बहुत सही हाँ, थे। बेसिकली दारू वाले क्या एड बनाते हैं यार। वो जो वर्क फ्रॉम होम वाली सीरीज चली थी एक एडवाइजर की, वो भी बहुत अमेजिंग थी। उनके पास फ्रीडम होता है फॉर सम रीजन एंड दे टेक लाइक ब्रांड नेम्स एंड ऑल, मतलब यूएस में जैसे बर्गर किंग सीधा मैकडॉनल्ड्स का नाम ले लेगा या मैकडॉनल्ड्स सीधा बर्गर किंग को टारगेट कर देगा, उनका लोगो थोड़ा सा ट्विस्ट करके यूज कर देगा, तो वो रूल्स इंडिया में बहुत ज्यादा है, आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, तो आपको थोड़ा सा अलग खेलना पड़ता है उसमें। मेरे हिसाब से जब वो 80s में जब उनके पास प्रॉपर कुछ भी कर सकते हो वो वाला जोन था ना, उधर सबसे तगड़े एड्स बने थे, वेयर दे वर लाइक रोस्टिंग, लिटरली रोस्टिंग ऑन टीवी। You know, there was this war which happened between the Hindu and Times of India once, और इन्होंने एक दूसरे पे पूरे एक सीरीज लॉन्च की थी। हिंदू काइंड ऑफ लाइक टुक अ डिग ऑन द टाइम्स ऑफ इंडिया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने सेम हिंदू के साथ किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसे एक बनाया था कि जो भी हिंदू पढ़ रहा है वो सो रहा है, सो आप कहीं से भी चले जाओ और आपको सोते हुए लोग देखेंगे। फिर हिंदू ने एक बहुत सही एड बनाया, हिंदू ने ये दिखाया कि वो 4 GK के क्वेश्चन जाके लोगों से पूछ रहे हैं और कोई नहीं बता पा रहा। फिर लाइक वो पूछ रहे हैं बंदे से कि ऋतिक रोशन के बचपन का नाम क्या है, ओ आई टेल यू, करीना कपूर के बचपन का नाम क्या है, और फिर बोलते हैं विच न्यूज पेपर डू यू रीड, और सब टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, और बीप आता है, बीप 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 बीप। बहुत हाँ सही था ये। मैं आपको ना, जैसे मेरे को भी आर्ट्स का शौक है, मैं आपको एक बार मेरी एक प्लेलिस्ट दिखाऊं, नाइकी मेक एवरी आर्ट काउंट इंटेंशन, एक एमेजोन एक्को डॉट का था, इंडिया आर्मी या लाइफलेस ऑर्डिनरी, ओ हो, ये जी, 11 मिनट, बहुत बढ़िया था। ये नाइकी फुटबॉल, गोप्रो हीरो, ये वर्जिन मीडिया का हुसैन बोल्ट वाला एड बहुत ज्यादा अच्छा है।
मैगी ने जब वापस ये लेड वाली चीज के जो वापस कैंपेन की थी ना, मेरे को बहुत पसंद आई थी कि हाउ लाइक सटल, जब कि वी मिस यू, मैगी हम की वापस। शुरू वाली भी बहुत अच्छी थी, मैगी वो जिंगल पे खेलता था ना। एक ये मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस का चेकोस्लोवाकिया वाला था, जिसमें बच्चे को बोलते बेटा डैडी बोलो, डैडी पापा वो बोलो, मम्मी बोलो, अच्छा बेटा बोलो चेकोस्लोवाकिया। पूमा के अच्छा तुम कैड ये लाइक वगैरह करके रखते हो क्या? हाँ, फिर मैं बाद में, अरे मैं सालों से बना रहा हूँ यार ये, मतलब और लाइक कि मेरे को एड्स का हमेशा से बचपन से बहुत ऐसे शौक था। काफी इंटरेस्टिंग स्पेस है ये लाइफ लेस ऑर्डिनरी, जो हम आर्मी वाले की बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताओगे आप? लाइक व्हाई डू यू लाइक इट, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर इट। नो यू नो लाइक यू टेल, आई हैव ऑलमोस्ट लाइक फॉरगॉटन, बट आई नो द फीलिंग। जब मैंने पहली बार हाँ, देखा था तब मुझे काफी अमेजिंग लगा था वो। एक तो बहुत हाई प्रोडक्शन क्वालिटी है, इन्होंने हर सीजन में शूट किया है, लाइक दे हैव यस गॉन इनटू, मेरे को लग रहा है 3-4 तो यूनिट्स होंगी इनकी जिन्होंने ये पूरा का पूरा किया हुआ है। हाँ, बर्फ वगैरह में गए थे और 2-3 शॉट लिए थे, मतलब लाइक उस लेवल पे शूट हुआ था हाँ जहां हाँ पे हाँ तो हाँ हाँ एक बैठ जाता है ना बंदा जाके कि यार बर्फ में 50 शॉट निकाल लूं क्योंकि बढ़िया लग रही है। सो दे डिडंट डू दैट, वो इंडल्ज नहीं किया उन्होंने। वो जितना जितना दिखा सकते हैं आर्मी में, जितनी अलग चीजें वो सारी दिखाई थी उन्होंने, विच मेड यू फील लाइक ए इट्स इंडियन आर्मी, सो इट्स शोइंग द एंटायर थिंग, एंटायर नेशन। एंड या सेकेंड मतलब आर्मी के एड में वैसी आपकी देशभक्ति तो जागी जाती है। आपकी कोई फेवरेट जिंगल वाले एड्स है? लेकिन ये जिंगल दैट यू रिमेम्बर, यार मुझे मैगी 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 ये जो एकदम सिली जिंगल्स होते हैं ये बहुत पसंद है। एक फेविकॉल का पीयूष मिश्रा ने एक गाना ही बना दिया था, शर्मा की चोरी का, वो वाला तुमने सुना अच्छा है? हाँ 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 आई नो आई मतलब नो आई नो वो जो दहेज में जा रहा था, पहले दहेज में मिला था फिर उधर से कहीं और चला गया, लाइक दैट एड इज सो सो गुड। इनसाइट कितना अच्छा पकड़ा है, मतलब हाँ ये होता भी है एंड दे हैव अटैच्ड इट टू फेविकॉल एंड द सॉन्ग इज ब्रिलियंट। मेरे को एकदम से वो भी याद आया, गूगल का एक ऐड आया था ना, द इंडिया पाकिस्तान वन हाँ वो तो सेपरेशन, बहुत सारे। वो हाँ, कितना खतरनाक था यार वो भी। हाँ गूगल ने बहुत सारे करे थे इंडिया पाकिस्तान वाले, मतलब उनका एक हाँ सीरीज था बीच में, बट देन दे स्टॉप्ड फॉर रीजंस व्हिच आर ऑब्वियस। सो अब मैं, आई नो कि अभी आपने केवी के साथ एक बहुत अच्छा एपिसोड किया था किताबों पे, और आपने कहा था कि यार किताबों की बातें मत करना, बट मैं फिर एक बार उंगली तो करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को लगता है कि वील स्टिल गेट समथिंग मे बी जो लोगों के लिए नया होगा। आपको काफ्का ऑन द श्योर बहुत पसंद है राइट? मुझे नहीं, उस टाइम उसने मेरे से रिकमेंडेशन पूछा था कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैजिक मतलब मैंने मुराकामी अगर स्टार्ट करनी है तो तुम नॉर्वेजियन वुड से कर सकते हो क्योंकि तुम लैंग्वेज वर्ल्ड में घुस जाओगे, बट इट्स नॉट मैजिकल रियलिज्म। बट अगर मैजिकल रियलिज्म स्टार्ट करना है तब या तो न्यूयॉर्कर की जो शॉर्ट स्टोरीज है वो पकड़ लो, या फिर काफ्का ऑन द शोर पकड़ लो। काफ्का ऑन द शोर स्टिल थोड़ी सी हैवी है क्योंकि मेरी वाइफ मुझे बाद में बता रही थी कि ये कोई रिकमेंडेशन है फर्स्ट टाइमर के लिए। आई वुड स्टिल से कि अगर इफ यू कैन गो थ्रू इट देन यू कैन रीड अदर लाइक किलिंग कमांडर और ये सारी जो हेवियर थीम वाली बुक्स है, मतलब उसमें जा सकते हो। बट काफ्का ऑन द शोर आई स्टिल लाइक इट, आई मतलब फेवरेट कह भी सकते हो बिकॉज नाइस जब पढ़ी थी, क्योंकि मुराकामी आप कभी भी पढ़ते हो तो वो 10 दिन आपके साथ ही रहता है, फिर आप भगा नहीं यार, सकते उसको। एंड काफ्का ऑन द शोर वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स दैट गेव मी दैट फीलिंग कि यार इट्स गोना स्टे फॉरएवर, ऐसा लगता है, बट फिर आप भूल जाते हो ऑब्वियसली। सो माय मुराकामी जर्नी इज नॉर्वेजियन, देन स्पुटनिक स्वीटहार्ट, देन आई वेंट टू द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस, ब्लाइंड विलो, स्लीपिंग वुमेन, देन एलिफेंट वैनिशेस, फिर मैंने वाइंड अप पढ़ी, फिर मैंने काफ्का पढ़ी। आई डोंट नो इफ आई हैव एडीएचडी और नॉट, बट मेरे को सेम स्पेस में रहने के लिए ना, मैं हर नॉवेल के लिए एक गाना सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको लूप पे सुनता हूँ। तो मैं एक शूबर्ट का गाना सुन रहा था, लाइक वाइल लिसनिंग टू इट, लाइक एंड शूबर्ट का मैं वो गाना सुन रहा था, और काफ्का ऑन द शोर में एक लाइब्रेरियन का कैरेक्टर है, और वो उस बच्चे को आके बताता है कि तेरे को शूबर्ट सुनना चाहिए, और मैं फ्लिप कर गया, क्योंकि वो मैं लिटरली जो गाना सुन रहा था ना, वो रिकमेंडेशन है काफ्का ऑन द शोर में, और मैं ऐसे कि ये क्या चल रहा है भाई। ये मुझे पहली बार जब नॉर्वेजियन वुड भी पढ़ रहा था मैं, तो मतलब मैं भी गाने सुनते हुए बुक पढ़ता हूँ, और नॉर्वेजियन वुड में तो इतने सारे रिकमेंडेशन थे कि कोई ना कोई पे तो बज ही रहा था, क्योंकि बीटल्स उसने पूरे रिकमेंड कर दिया हाँ था हाँ अलग अलग सॉन्ग, और बुक का नाम ही नॉर्वेजियन वुड।
है हाँ तो इट्स लाइक अ फेमस बीटल्स सॉन्ग, तो मैं उस टाइम बीटल्स सुनता था। दैट्स वन ऑफ द अदर थिंग्स आई लाइक अबाउट मुराकामी, कि उसको जो मन करता है वो लिखता है। अभी उसको म्यूजिक की बात करनी है तो वो आराम से ऐसा फैल के म्यूजिक की बात करेगा कि ये क्यों अच्छा है, ये क्यों खराब है, ये मुझे क्यों नहीं पसंद, एंड व्हाई दिस सॉन्ग केम टू जापान एंड बिकेम एन इंस्टेंट हिट। तो वो सारे, वो मतलब उसका स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक कि आप 1 घंटे की मूवी देख रहे हो तो बीच में 10 मिनट पॉपकॉर्न खाने जाते हो, तो वो एक पॉपकॉर्न मटेरियल वो खुद ही दे देता है कि हाँ ठीक है, गाने के बारे में बात पता चल गई। मतलब आप एग्री भी नहीं करते कभी काफी चीजों पे, और काफी चीजें आपको समझ भी नहीं आती। मान लो अगर वो क्लासिकल के एक रैंट पे चला गया, बट यू स्टिल वुड वॉन्ट टू रीड की वॉट ही हैज टू से। लाइक उसका जो रिकमेंडेशन, वो चलचित्र टॉक्स जो बीच में चालू कर देता है अपना, वो बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। और ये जो एक रेकरिंग थीम होती है ना, कि एक तो बिल्ली आ जाती है, बंदी गायब हो जाती है, बंदा लोनली है, बंदा सॉलिट्यूड, लोनली वो वो सॉलिट्यूड वाली थीम तो हमेशा सारी बुक्स में है उसके। एक शॉर्ट स्टोरी है टोनी टाकेटानी, मैं बड़ा मतलब ऐसे घुस गया था उसमें कि यार शॉर्ट स्टोरीज जो मुराकामी उसमें जिस तरीके से खेलता है, लाइक इट्स ब्यूटीफुल, कि यस एक बंदी है जो जिसकी डेथ हो गई बट उसके कपड़े वहां रह गए, तो वो उन कपड़ों में उसकी एब्सेंस ढूंढ के कुछ 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 अलग ही तो कहीं और ही चला जाता है। मैं तो इंस्पायर बहुत ज्यादा हुआ था, मैंने उस टीवी के पॉडकास्ट में बोला था कि आई हैव स्टार्टेड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज बिकॉज ऑफ मुराकामी। लाइक आई यूज टू राइट लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट सिंस 8th स्टैंडर्ड ओनली, पर मैं थोड़ा सा नॉन फिक्शन सटायर और फनी जोन में लिखता था, और कहानियां मैं लिखता था पर कभी कभी मैं पब्लिश करने लायक नहीं होती थी ऐसा मुझे लगता था। बट देन आई स्टार्टेड पब्लिशिंग एंड इट्स जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ देम आर मैजिकल रियलिज्म ओनली, कहाँ कि पब्लिश कर रहे हो आप ये? मैं इंस्टा पे करता रहता हूँ, और एक ओ सबस्टैक का ब्लॉग भी है, तो ब्लॉग है, सॉरी ब्लॉग बोल रहा हूँ। समटाइम्स पीपल लव इट, समटाइम्स दे हेट इट, बट इट्स जस्ट, इट्स इफ यू रीड इट एंड इफ यू आर अ मुराकामी फैन, तो आई थिंक तुम्हें पसंद आएगी, बिकॉज आई नाइस। ट्राई टू कैरी दोज थीम्स, एंड वो थीम्स भी बहुत रिलेटेबल है मुझे। कोई एक बोलो ना, वेयर फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, लाइक अगर मैं आपकी पहली कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ूं, एक नाम बताओ। यार मेरी, तुम एयरपोर्ट पढ़ सकते हो, मेरे इंस्टा पे बेसिकली एक मैंने राइट अप्स करके वो डाला हुआ है हाईलाइट, उसमें सारी सारी स्टोरीज है। मतलब कुछ कुछ में जो आइसोलेशन का थीम, क्योंकि काफी बार आप देखते हो ना तो वो बहुत डिप्रेसिंग जोन में चला जाता है, ठीक है, बाकी ऑथर्स का बोल रहा हूँ मैं, बट मुराकामी इट समहाउ इट स्टिल फील्स रिलेटेबल। इट डजंट क्रॉस दैट लाइन वेयर यू स्टार्ट सिंपथाइजिंग जस्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द नरेटर, वो उस जोन में कभी जाने ही नहीं देता उसको। मतलब बंदा समझने लगता है कि हाँ ये अकेला क्यों है, ये अकेला क्यों चल रहा है, अकेला क्यों बात कर रहा है, एंड यू यू रिलेट टू इट इंस्टेड ऑफ एम्पथाइजिंग विद हिम, कि ये लोनली है, ये कभी वाला जोन वो आने नहीं देता है, एंड इट ऑलवेज लैंड्स, विच इज सच अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज आप अगर सेम ही रशदी का एक ही कैरेक्टर दूसरी बार अगर वो लिखने लगे, वो पहले तो वो करेगा ही नहीं वो ये काम, बट वो सेम थीम भी नहीं लिखते हैं काफी सारे नॉवलिस्ट, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेरी रिस्की थिंग कि लोग कंपेयर करेंगे आपके पिछले वर्क से। वो उसको अभी भी होता है, बट मुराकामी इज लाइक ही डजंट गिव अ फक। एक क्वेश्चन है वैसे ना, मैं जब बुक्स का सेगमेंट होता है ऑलवेज टॉक अबाउट वन थिंग एंड माय ऑडियंस हेट्स इट, तो मैं ना ऐसे ठीक है यार अपना ही चैनल है बोल देते हैं, ऐसे ना मैं वेदर वेदर चेंज कर देता हूँ किताब पढ़ते हुए, कि ऑथर ने लिखा हुआ है दिन में हो रहा है, मेरे को मैं रात इमेजिन करूंगा, कि मेरे को नहीं नहीं, मानना। मैं एग्जैक्ट इमेजिन करता हूँ ये, मैं उधर ही पहुंच जाता हूँ जो वो बोल रहा है, उसी गली में उसके साथ ही चल रहा हूँ, सो आई रीड इट लाइक दैट ओनली, वेयर द ऑथर वांट्स टू टेक मी। डू यू हैव लाइक ऐसे एनी स्टिल एनी लैंडस्केप प्रेफरेंसेस, जैसे हम ऐसे मतलब कि यार ऐसा माहौल हो इस सेटअप में जो किताबें होती हैं मेरे को बड़ी पसंद आती हैं। कॉन्शियसली मुझे नहीं लगता है कुछ है, बट सब कॉन्शियसली जो थीम्स मैं यूज करता हूँ विच आर मोस्टली लाइक एन आइसोलेटेड पीस ऑफ लैंड, तो वो पहाड़ पे भी हो सकता है कि उधर घर है, या फिर वो केरला में कहीं पे बैक वाटर्स के पीछे आसपास 1 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, सो माई लैंडस्केप इज बेसिकली आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। शाइनिंग टाइप हाँ थोड़ा। हाँ थोड़ा सा शाइनिंग जोन, बीच आई डोंट प्रेफर एक्चुअली, तो मुझे ये पता है कि आई डोंट प्रेफर बीच, इट्स ऑलवेज अ रूम समवेयर इन द
इन द फॉरेस्ट, आई आई लव फॉरेस्ट ऑल्सो. हाँ, इफ आई हैव टू पिक वन थीम, आई वुड चूज टू रीड और राइट बुक्स विच आर बेस्ड अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, जहां पे अंदर वाह, जाके यू कैन गेट लॉस्ट. अरे काफ्का में भी तो फॉरेस्ट का बहुत बड़ा वो था ना। हाँ, हाँ लाइक आई लाइक मतलब सबसे ज्यादा वो ली चाइल्ड, अगर तुमने पढ़ा है, हाँ उसमें जो वो उसकी डिटेक्टिव वाली सीरीज है, बेसिकली दैट गाय इज ऑल्सो वेरी वेरी लाइक एन ओल्ड आर्मी ऑफिसर, एक्स आर्मी ऑफिसर जो अकेला घूमता है, साथ में कुछ फोन नहीं रखता, ये नहीं रखता, एंड ही एंटर्स वन स्मॉल विलेज. हर बुक में यही हो रहा होता है, और वो विलेज में जाके कुछ तो क्राइम सॉल्व कर रहे हैं. नाउ द क्राइम दैट ही इज सॉल्विंग दैट इन्वॉल्व मेनी पीपल, बट जो उसका पर्सनल लाइफ चल रहा है, जो जहां से वो आया है, पैदल ही आया, कहीं बस में बैठ गया, लाइक दैट डायरेक्शनलेस वे ऑफ नैरेटिव ना, वो मुझे पसंद है. तो वो मतलब एक मुराकामी है जो थोड़ा सा नीच जो नहीं पसंद है, वो भी ये यूज करता है. एक ली चाइल्ड है वाज लाइक द बेस्ट वाह, सेलर, तो वो भी लाइक द थीम दैट दे आर यूजिंग इन सम वे दे आर वेरी वेरी सिमिलर. और जैसे गॉडफादर में व्हेन दिस गाय गोज टू लाइक इटली, सो हाउ ही हैज मारियो पुजो हैज इमेजिन्ड द होल थिंग, यहाँ पे ग्रेप्स है और ये पूरा अलग अलग, एक वाह, इधर झोपड़ी है, फिर वो वहां से चल के जाता है. सो अगेन दैट आइसोलेशन इज देयर, उसने डिफरेंट वे में यूज किया है जस्ट टू एस्टेब्लिश कि ये पावरफुल बंदा कितना है, कि ये कहीं भी चला जाए, आसपास अलग कुछ भी ना हो, लाइक इफ पीपल गेट टू नो कि ये डॉन कॉर्लियोन का बेटा है, तो देन इट्स ओवर. लाइक ही हैज यूज्ड इट इन हिज फेवर टू शो द पावर ऑफ द मैन, कि एक खाली जगह में भी उस बंदे का हक चलता है, बट नाइस। अगेन द थीम इज यूज्ड इन दैट वे ओनली. अगर मैं आपसे ऐसे फॉरेस्ट की और बात करूं और आपसे ऐसे फॉरेस्ट की रेटिंग ले, तो हैरी पॉटर का फॉरबिडन फॉरेस्ट कैसा लगा था सर मुझे आपको? काफी पसंद है हैरी पॉटर, आई एम अ बिग फैन एक्चुअली. तो नाइस। मुझे, मैं उस जोन में नहीं हूँ कि यार थोड़े मेच्योर ऑथर पढ़ो, ये करो, बड़े बड़े अरे हुए हैं. बढ़िया, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मेरा एक हेडविग, वो पीछे देख रहे हो, हेडविग नहीं, है। हाँ, द वे शी एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड, नो, इट्स नेवर सीन बिफोर मेरे हिसाब से, तो बिकॉज उसने वर्ल्ड क्रिएट भी किया, उसके बाद प्रॉपर लाइक इट वाज अ पेज टर्नर. वो नहीं हो रहा है तुम्हें कि यार ये आप कितनी देर तक बताएगी कि यहाँ पे क्या है, तो वो वाला जोन आने ही नहीं देती वो. तो वो सीधा उसने बताया कि हाँ ये उड़ के खेलते हैं वो, और बस उधर खत्म. अब अगली बार उसके रूल 3 चैप्टर बाद बताएंगे, उसके बाद टूर्नामेंट अगले बार होगा. सो इट्स नेवर लाइक कि यू आर गेटिंग टू नो द होल थिंग ऑल टुगेदर एट वंस, सो दैट यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द स्टोरी इंस्टेड ऑफ द वर्ल्ड अराउंड इट, बट द वर्ल्ड इज बिल्डिंग स्लोली एज यू आर प्रोग्रेसिंग, विच इज अ वेरी नाइस वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी. आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवीज, बट द बुक्स इट्स पेनफुल टू रीड. वाय वाय। इट्स पेनफुल एज इन इट्स वेरी लीनियर नैरेटिव, जो हैरी पॉटर का भी है, बट देर आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव समटाइम्स, कि कोई बुक ही स्टार्ट वोल्डेमॉर्ट के उससे हो रहा है, सपने से. मूवीज में अगर आप देखो तो, अब द वे अल्फांसो कुआरोन शोड लाइक द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में हॉगवर्ट्स, पूरा कैरेक्टर ही दे दिया यार। मतलब कि लाइट ही नहीं थी मतलब मूवी में. हाँ सो चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स का हॉगवर्ट्स, जो मैं बाथरूम्स जिसमें जैसे देखे, और जो ऐसे हॉग्समेड वगैरह जो आपने प्रिजनर में देखा, हर में आप एक नया एलिमेंट देख रहे हो। ना, बुक वाइज भी ये बहुत डिफरेंट है. लॉर्ड ऑफ हाँ द रिंग्स में लाइक पर 30 पेजेस 40 पेजेस कुछ एक ही चीज चल रही है, फिर उसके बाद फिर एक ही चीज चल रही है, एंड सेकंड बीच में पोएट्री इतनी आ रही थी कि यू जस्ट कीप गेटिंग बोर्ड. नाउ देर आर सो मेनी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फैंस जो गालियां पढ़ने वाली है, बट क्योंकि काफी लोगों ने, इट्स लाइक द बाइबल इन द वेस्ट, सबने पढ़ी है स्कूल में, बट इट फील्स लाइक इट्स नॉट रिटन फॉर लाइक लेजर रीडिंग, इट्स रिटन एज अ कोर्स, एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज टोल्किन खुद ही प्रोफेसर थे, मतलब थोड़ा सा वो हाई ब्राउ लिटरेचर जो होता है वो घुस गया था उनका बीच में. मैं उस फेज से बाहर ही निकल चुका हूँ जहाँ पे मैं मेटल सुनू या मैं ये, मैं आप गजलें सुनता हूँ, कवाली सुनता हूँ, और आसान बुक्स जो आसान लैंग्वेज में सिंपल स्टोरी टू फॉलो, एंड देर इज अ वर्ल्ड दैट यू कैन रिक्रिएट. बिकॉज मैजिकल रियलिज्म में सबसे अच्छी चीज एक ये भी होती है कि
आपको इमेजिन करना है, वो सामने वाला बना के दे रहा है थोड़ा बहुत, बट हाउ इज द वर्ल्ड लुकिंग, इट्स ऑन यू, लाइक फ्रॉम वेयर इज वॉकिंग. उसने तो ग्रास लिख दिया, वो आर दीज बुशेस लंबी लंबी या छोटी छोटी हैं, मतलब द होल थिंग चेंजेस. जो मैंने आपको पहली चीज बोली ना कि मैं वेदर वगैरह चेंज कर देता हूँ, इट्स माय वे ऑफ ब्रिंगिंग इन मैजिक रियलिज्म एट प्लेसेस जहाँ पे शायद ऑथर भी नहीं दे रहा। तो आपने जैसे बोला ना, अब उसने ग्रास बोल दिया, वो लंबी है या छोटी, ये इतना इंटरेस्टिंग होता है कि आप कैसे इमेजिन कर रहे हो, मैं कैसे कर रहा हूँ, और हर पार्ट में। आई लाइक कि आप भी बता रहे हो कि यू काइंड ऑफ लाइक टू प्ले इट अ लॉट, तो वो हाँ, वाली आई लाइक, चीज। नो नो, दैट आई डेफिनेटली डू. मतलब बिल्ली कितनी बढ़िया, तुम यही सोच लो ना, हाँ, बिल्ली छोटी क्यूट है या फिर बिल्ली ऐसा शेर के जोन में जा रही है. सो लाइक यू कैन डू एनीथिंग इफ दे स्टार्ट डूइंग दैट आल्सो, देन तो वो स्टोरी आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड बनाया है, वर्ल्ड के अंदर भी जो जो हो रहा है उसका भी डिस्क्रिप्शन देंगे, तो वो तो होगा नहीं. इसीलिए दे ऑल्सो कीप फ्लोइंग विद दैट, कि अगर बंदर बात कर रहा है तो कर रहा है, वो बंदर कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, कैसे चाय पी रहा है. सो लाइक यू हैव टू इमेजिन दैट. बुक से रिलेटेड एनी लाइक ऐसे कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस जो यू हैव, कि अगर कोई सबसे जो आपके इन्फ्लुएंशियल बुक्स है? आई विल टेल सम बुक्स जहां से आप, अगर आपने रीडिंग में लोग घुसे नहीं, क्योंकि दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन आई गेट इन माई डीएम्स, की फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर. हाउ आई स्टार्टेड वॉज लाइक, सारे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है, दे आर नॉट एनकरेज टू रीड नॉवेल्स, यू आर मोर एनकरेज टू रीड जो भी सीबीएसई वगैरह पढ़ रहे होंगे. सो वॉट आई यूज टू डू वॉज, डेली में नई सड़क में जाके आई वुड बाय लाइक सेकेंड हैंड एनी बुक. अभी मोटी देखता था मैं, क्योंकि वो किलो के भाव बिक्री होती थी, तो वो मैं उठा के ऐसा 20 20 ले आया, फिर 6 महीने बाद वापस 20 30 ले आया. सो आई वुड रीड ऑल काइंड, और उसमें मोस्टली क्लासिक्स होती थी, तो मैंने हैरी पॉटर भी वैसे ही पढ़ा. तो इसलिए देर इज नो जोन कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बट इफ आई हैड अ चॉइस आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम हैरी पॉटर, बिकॉज एक तो तुम्हें लैंग्वेज बहुत ईजी है, दूसरा वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा आराम से सिंपल तरीके से हो रहा है, तीसरा स्टोरी तो आउटस्टैंडिंग है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो. अगर इतना सारे पढ़ने नहीं है तो देर इज वन बुक विच एवरी वन शुड रीड इज गॉडफादर. इट्स अ पेज टर्नर टू द लेवल, मतलब आप एक बार पढ़ ली, आपको हाथ के आप दूसरी बार पढ़ने का मन करेगा, ऐसी कोई बुक ही नहीं है. और एंड वो सेम उन्होंने मूवी में भी ट्रांसलेट किया, आपने देख ली तो आप रिवाइंड करते देखते रहोगे. अगर आपको फनी जोन में, लाइक इफ यू आर अ ह्यूमर राइटर और दैट काइंड ऑफ थिंग, तो पीजी वोड हाउस, डगलस एडम्स डेफिनेटली, डगलस एडम्स. अगर हिचाइकर का नहीं भी पढ़ना है तो मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, लास्ट चांस टू सी है, वो वाली सारी पढ़ो, या फिर उसकी स्पीचेस है काफी सारी. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट. लाइक अभी सलमान रुश्दी का एक नया बुक आया था लैंग्वेज पे, ठीक है, इट्स जस्ट कलेक्शन ऑफ द स्पीचेस ही मेड और द essays that he has written. I know कि giving time to a book is a big thing in this, अभी जिस society में हम रह रहे हैं. तो if you तो want to start, so काफी लोगों को, जैसे मेरे को ये curiosity होती है कि कौन author है ये, ठीक है. So कौन author है, उसके लिए या तो आपको interviews देखने पड़ेंगे ताकि आप उस बंदे में interest लो, या फिर आप उसका कुछ भी छोटा छोटा चीज पढ़ो, लाइक मुराकामी शॉर्ट स्टोरीज ऑलवेज अ कलेक्शन, नाइस रश्दी का एसेज वगैरह. सो यू कैन एटलीस्ट गेट एन आइडिया ऑफ ए हाउ ही राइट्स एंड बी व्हाट हिज थॉट प्रोसेस वेरी मोस्टली. नाइस और उसमें काफी सारे आपको वो भी रेफरेंस देगा, क्योंकि इफ इट्स अ नॉन फिक्शन थिंग दैट ही हैज रिटन, सो ही विल ऑलवेज टेल हिज इंस्पिरेशंस. मतलब 10 पेज पढ़ने में आपको 8 10 नए ऑथर पता चल रहे हैं, 10 नई किताबें पता चल रही है, प्लस जिस ऑथर के लिए आप पढ़ रहे थे वो पता चल रहा है कि वो कैसा सोचता है. सो दैट ऑलवेज मेक सेंस टू मी. बेसिकली व्हाई आई लाइक रश्दी इज ही राइट सो ब्यूटिफुली, लाइक यू कांट इमेजिन. मतलब ऐसा जेलस होने लगता है कि यार फक, मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता. वाह देर आर ओनली टू पीपल हु आई फील लाइक दैट, वन इज सलमान रश्दी एंड सेकेंड इज स्टीवन फ्राई. मतलब स्टीवन फ्राई इज माई आइडल. तो अगर मेरे को कोई बोलेगा ना एक आदमी से मिलने का, तेरे को किससे मिलेगा, सो आई वुड ऑलवेज पिक हिम, बिकॉज ही हैज वास्ट नॉलेज, ही हैज हिज स्टोरी टेलिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड थर्ड उसने जो भी बुक्स लिखी हैं,
इट फील्स लाइक समवन इज ऐसा पास में बैठ के नरेट कर रहा है, तुम्हें आराम से अच्छे से समझा रहा है। मतलब उसने दो तीन बुक तो ग्रीक मिथ्स पे लिख दी, तो आप गॉड्स हीरोज ये सारी चीजें पढ़ लो, और उसने दो दो ऑटोबायोग्राफी लिख दी है, मोब इन अ वॉश पॉट और प्राई क्रॉनिकल्स। इट्स वेरी वेरी नाइस, इजी रीड, एंड यू विल हैव फन। लाइक इट्स इट हैज दैट क्लासिक ब्रिटिश ड्राई ह्यूमर, जहाँ नाइस पे हर चार लाइन बाद एक बहुत ही बढ़िया चकलवर्दी जोक आता है, एंड देन यू कंटिन्यू रीडिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट वांट टू रीड जस्ट ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए। आप आजकल बहुत चीजें देखने लग गए हो, है ना, कि नेटफ्लिक्स देख रहे हो आप, पूरा टाइम रील देख रहे हो, ये कर रहे हो। अगर आप बुक भी ऐसा स्टोरी एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो या कुछ भी खराब उठा लिया है, इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अ डिससर्विस। लाइक थरू हैड सेड कि अ बुक शुड बी रेड एज डेलिबरेटली एज इट्स रिटन। तो आप काम की तरह मत खत्म करो उसको, आराम से टाइम लेके बुक चूज करो। मैं तो चार पांच चीजें पढ़ता हूँ ऑथर की, अगर मैं कोई नया ऑथर पिक कर रहा हूँ तो चार दो तीन इंटरव्यू देखे, फिर उसने छोटा शॉर्ट स्टोरी क्या लिखा, बिकॉज नाउ इफ आई एम चूजिंग अ बुक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि मैं इसको पढ़ूंगा, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम नाउ डेज। कि आप जो हम स्कूल में करते थे कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया, तो वो नहीं करता मैं। तो इसीलिए लाइक आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि ऑथर के माइंड सेट में घुस के देख सकते हो आप। बहुत सही रिकमेंडेशंस दिए आपने। एंड कोई पीछे ऐसी कोई किताब पढ़ी है जिसके बारे में लाइक यू वुड लाइक टू मेंशन किया, और ये कोई मिस ना हो जाए हम अगर जिस किसी को हिंदी स्टार्ट करना है तो परसाई, ऑब्वियसली मैं परसाई का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, सो यू कैन लिटरली स्टार्ट एनीवेयर। परसाई ने मतलब शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, तो ये एक या दो नाक वाले लोग मतलब आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, परसाई का कुछ भी उठा लो आपको हंस हंस के पागल हो जाओगे। मुराकामी स्टार्ट करना है तो मुराकामी का एक, तुमने बीच में वो नाम भी लिया था इस बुक का, बट स्पटनिक स्वीट हार्ट इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल बुक एंड इट्स वेरी इजी रीड अगेन। तो काफ्का ऑन द शोर से ज्यादा मैं अपना रिकमेंडेशन ही रिवाइज कर देता हूँ अभी। इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू मैजिकल रियलिज्म, स्पटनिक स्वीट हार्ट से कर सकते हो। एंड मुझे थीम भी बहुत अच्छा लगा था इसका। सो आई लव ट्रैवल, ट्रैवल ब्लॉग्स और जहाँ पे फूड ब्लॉग्स और ये सारी चीजें जो होती है ना, सो आई लव रीडिंग अबाउट दैट। इसीलिए मैं लास्ट चांस टू सी डगलस एडम्स सबको बताता रहा। तो अदर बुक ऑफ दैट सॉर्ट इज इफ इट्स मंडे इट मस्ट बी मदुरई, ठीक है, इट्स नाइस बाय श्रीनाथ पेरूर। सो व्हाट दिस गाय हैज डन इज उसमें ट्रैवल लॉग है जहाँ पे 6-7 सिटी गया है, एंड ही हैज ट्रैवल्ड इन ग्रुप्स, जो बस टूर अंकल बुढ़े लोगों के साथ जो होते हैं उनके साथ ट्रैवल किया, एंड ही हैज रिटन दैट एक्सपीरियंस कि हाउ यूरोप जाके उनका लिटरली वो बस में चल रहे होते हैं, एंड दे जस्ट स्टॉप वेयर शाहरुख खान हैज शॉट अ सर्टेन सीन, सो दे डोंट विजिट एनी सिटी, दे आर जस्ट विजिटिंग द आउटर, एंड व्हाट वाज हिज एक्सपीरियंस। तो उस पे उसने वाह बुक लिखा था, ये काफी क्रेजी था। मोहसिन हमीद इन जनरल इज वेरी नाइस, बट इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट मोहसिन हमीद बिकॉज इट्स अगेन थोड़ा सा सटायर जोन, तो मुझे ये वाली भी बहुत अच्छी लगी थी, हाउ टू गेट रिच इन राइजिंग एशिया। लाइक आई एम जस्ट टेलिंग लाइक स्मॉलर शॉर्टर बुक्स विच आर इजी टू रीड एंड विच वोंट वेस्ट योर टाइम। सो इफ यू पिक नाइस एनी ऑफ नाइस दीज, मतलब आपका टाइम तो वेस्ट नहीं होगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद आप इस ऑथर को भी और एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर इसी तरह की सिमिलर बुक्स एमेजोन पे मिल जाएंगी। बहुत सही बहुत सही। एंड अब जल्दी से हम मूव करते हैं मूवीज एंड टीवी शोज पे। पहले हमें बताइए कि व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद मूवीज एंड टीवी शोज। आई डोंट कंज्यूम दैट मच एज आई यूज टू, तो मैं मेरे सिलेक्टेड टीवी शोज ही हैं जो मैं देखता हूँ। पहले तो मैंने बहुत देखे थे, पर अभी मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और इतना पेशेंस भी नहीं है, सो आई हैव टोटली आई एम अ यूट्यूब कन्वर्ट नाउ, वेर आई जस्ट वॉच यूट्यूब वीडियोज 8-8, 10-10 मिनट के, क्योंकि नहीं है मेरे में अभी पेशेंस। बट स्टिल टेड लासो जैसी चीज यू कांट अवॉइड, सो टेड लासो इज माई करंट फेवरेट। मैं आपको बताऊं, मेरे को सीजन 1 बहुत पसंद आया था। फिर मैंने रोहन जोशी या एक दो लोगों की स्टोरी देख ली थी कि सीजन 2 अच्छा नहीं है, और मैंने सीजन 2 अभी तक देखा नहीं है, और इसलिए मैं सीजन 3 भी नहीं देख पा रहा। शुड आई वॉच इट? नो नो वॉच इट, थोड़े से क्लीशेज एंड नैरेटिव है बट इट्स गुड ओनली। मतलब वो जो पॉजिटिव फील गुड वाली जो फीलिंग देता है शो, वो सीजन 2 में भी देगा और वो सीजन 3 में भी देगा। मतलब दे हैव क्रिएटेड अ विलन आउट ऑफ नोवेयर, तो
तो वो वाली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, कुछ इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है वो कि हाँ यू यू डोंट इवन वॉच, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वन टाइम हो हाँ सकता है, क्योंकि एक सीजन टू में फ्यूनरल एपिसोड था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टीवी, लाइक व्हाट आर यू इट्स, सेइंग, हाँ मतलब नाइस। काफी काफी क्रेजी एपिसोड लगा था मुझे तो। थोड़े दिन पहले मैंने बैर देखा था, द बैर जो शेफ वाला अरे है, मैं इतना बड़ा फैन हूँ बेयर का यार। हाँ बहुत क्रेजी है वो भी। आई एम बेसिकली अ फैन ऑफ ऑल दीज नॉन फिक्शन रियलिटी शोज, जो मास्टर शेफ वगैरह है ना, तो मुझे हाँ मुझे फूड कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, लाइक वेयर पीपल आर ट्रैवलिंग एंड ईटिंग। तो एंथनी बोर्डेन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसके बाद एक नेटफ्लिक्स पे ग्ली का क्रिएटर है शायद वो, तो वो भी लिटरली हर जगह जाके ट्रैवल करके खाना वाना खाता है, एंड इट्स जस्ट अ वेरी नाइस वॉच, क्योंकि आप देख तभी रहे होते हो जब आप या तो खाना खा रहे होते हो या कुछ बोर हो रहे होते हो, तो उसमें मैं थोड़ा सा वो इन्फॉर्मेटिव में ज्यादा चला गया, और मुझे ये घूमने घुमाने वाले शोज भी बहुत सही लगते हैं, कि बहुत सही, पहले बहुत मैं सही। आर्किटेक्चर वाले देखता था ये कि किसने घर बड़े बनाए हैं, सबसे बढ़िया घर किसका है न्यूजीलैंड में, ये सारी चीजें। सो आई टेल यू लास्ट चांस टू सी है क्या, डगलस एडम्स एंड मार्क कार्बनडाइन एक जूलॉजिस्ट था, दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू फाइंड 7 इंडेंजर्ड स्पीशीज और उनके बारे में रिपोर्ट करना, ठीक है। डगलस एडम्स हैज नेवर डन दिस एंड जूलॉजिस्ट ने ऑब्वियसली किया होगा, सो इट्स डगलस एडम्स नरेटिंग हिज एक्सपीरियंस व्हिच इज वेरी फनी। मतलब वो क्वेश्चन पूछता है एक बंदे को उधर ऑस्ट्रेलिया में कि ये सांप खा गया तो क्या होगा, कहता तुम मरोगे और क्या होगा, इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन ऑफ हिम जस्ट आस्किंग हाउ नॉट टू डाई, एंड ही इज लाइक कि तू मरेगा, अगर वो खा लिया तो तू मरेगा। सो बेसिकली दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन उसने ये करे था 89 वगैरह में, ये बुक लिखी, ठीक है। नाउ ही डाइड इन 2000 2001। इन 2011 स्टीवन फ्राई अगेन विद मार्क कार्बनडाइन वेंट, नाउ द दिस इज अ जूलॉजिस्ट, शो, हाँ दिस इज अ हाँ शो नाउ, तो बीबीसी ने शो कमीशन किया, वो सातों जो जो डगलस एडम्स ने लिखे थे इंडेंजर्ड स्पीशीज उनको ढूंढने वापस गए थे, उनको 5-6 मिले थे, वो एक चाइना में जो था स्पीशीज वो एक्सटिंक्ट हो गया था। सो इट्स जस्ट अगेन द सेम जर्नी एंड वाह, इट्स अ वेरी 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 गुड शो। स्टीवन फ्राई के अमेजिंग। तो सारे शो में तो पैनल शो लाइक क्यूआई एंड ऑल, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू ट्रिविया एंड जीके एंड जस्ट दैट इन जनरल, तो जेपर्डी, और जेपर्डी तो सब देख ही लेते हैं, बट क्यूआई देखो, क्यूआई इज द प्रॉपर वेरी नाइस पैनल शो, जहाँ पे अभी स्टीवन फ्राई को रिप्लेस कर दिया सैंडी टॉक्सिक ने, बट इट्स जस्ट वन एंकर एंड 4 कमेडियंस सिटिंग एंड डिस्कसिंग ट्रिविया, एंड जिसका सबसे रैंडम आंसर होता है उसको पॉइंट मिलता है, एंड वो एक्चुअल में बाद में करेक्ट करके भी बताते हैं। सो नाइस, दैट शो, सो आई एम मोर इनटू दीज काइंड ऑफ स्टफ इंस्टेड ऑफ द प्रॉपर वेब सीरीज, बट मैंने इंपॉर्टेंट वाले सारे देखे कि जिसमें पॉप कल्चर नहीं छूटता मेरा, कि गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड, ये सारे मैं कवर कर लेता हूँ। बेयर मैंने देखा इसलिए था क्योंकि एक तो वो फेमस इतना हो रहा था, एंड सेकेंड इट वॉज फूड, सो लाइक फूड का तो कुछ भी देख सकते हैं। एंड मूवीज, मूवीज 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 आई एम अ बिग एल पचीनो फैन, सो माई रिकमेंडेशन इज ऑलवेज एनीथिंग बाय एल पचीनो, तो मैंने सब देखा उसका। डॉग डे आफ्टरनून इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज, मुझे क्लासिकल वो सारे वो जो 70s 80s के जो मूवीज थी वो वाला जोन बहुत पसंद है, गुड फेलाज और ये सारी चीजें, डिनेरो वाली भी, सब। इंसॉम्निया एक पचीनो और रॉबिन विलियम्स की थी, वो भी वो बहुत बहुत वो बढ़िया है। नोलन की है शायद। अभी रिसेंटली कुछ आया है क्या जो एल पचिनो का, जो आपको पसंद आया हो? रिसेंटली आयरिश मैन आई थी, वो पसंद आई थी, हाँ एंड आई हैव दिस मूवी विच आई विल वॉच टूडे, क्योंकि वो कहीं पे थी नहीं, सो देर इज अभी हॉटस्टार पे है, वी डोंट नो जैक, उसमें एल पचिनो जैक बना है, इट्स अ टीवी मिनी मूवी जो भी वो होता है ना, जो जिसको रिलीज नहीं मिलती, सो उसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है, और बेसिकली इट्स अबाउट दिस गाय हु इज एडवोकेटिंग फॉर यूथनेशिया या सुसाइड, लाइक आई एम फॉरगेटिंग, बट दिस इज द काइंड ऑफ, ही इज अ लॉयर, तो उस पे बेस्ड मूवी है, तो वो वाली एक बची है मेरी पचीनों की, तो वो भी देख के मैं अप टू डेट हो जाऊंगा। अभी वाले रिसेंट वालों में आई डोंट थिंक, पठान देखी थी सर क्योंकि बिग शाहरुख फैन, पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे, बट अच्छी थी जॉन जॉन विक,
फोर देखने वाला था बट नहीं गया मैं। मुझे जॉन विक काफी पसंद था शुरू में। शुरू मार्वल में मूवीज भी पसंद है, लाइक आई लव एंटरटेनमेंट सिनेमा। मेरे से वो हैवी वाली, जैसे मैंने अभी बैंशीज ऑफ इंसेरिन देखी थी बिकॉज मैं कॉलिन फेरल का फैन था। डूड वो मेरे को क्या मूवी है वो, मुझे अरे मेरे बहुत पास बेकार है, उसका आपको पसंद नहीं आई? मुझे पसंद नहीं आई, मुझे अरे पता। ब्रो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, सो दिस इज ओ अमेजिंग। मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ बैनशीज का। बैंशीज का? ओ क्यों नहीं, नहीं आई मिस, पसंद? क्योंकि ये मस्त सेगमेंट होगा। कुछ नहीं हुआ था उस मूवी में इसीलिए पसंद नहीं आई। लाइक आई अंडरस्टैंड मूवीज जहाँ पे जो स्लो चलती है बिफोर सनसेट सन, बट एटलीस्ट देर आर डायलॉग्स। दैट मूवी वॉज इधर आई वॉजंट इन द स्टेट ऑफ माइंड, बट मैं स्टेट ऑफ माइंड पे जा ही नहीं रहा, मुझे नहीं पसंद आई वो। अरे मुझे थोड़ी लेजी लगी वो, मैं कह यार कुछ तो स्टोरी देते, कुछ तो। मुझे ऐसा लगा पर्सनली नहीं लेना कि इट, वैभव, वैभव पर्सनली नहीं मैं लेना। मतलब इट वॉज मिस, अरे आई फेल्ट इट वॉज मिसिंग स्टोरी। मैंने अरे वेल भी इसीलिए नहीं देखी क्योंकि वो जब ऑस्कर नॉमिनेट हो गई ना, मैंने कहा ये सारी की सारी तो ऐसी नहीं है ना। दैट्स द ओनली रीजन आई हैवन्ट वॉच्ड वेल, अदरवाइज आई हैव हर्ड सो मेनी गुड रिव्यूज। यार तो ये जो है ना मार्टिन मैकडॉ, ये जिन्होंने ये बनाई है ये, सो ही इज आल्सो फीबी वॉलर-बिच पार्टनर जिन्होंने फ्लीबैक बनाया। सो ये ना अपनी पिक्चरों में ऐसे बहुत छोटा सा इमोशन पकड़ते हैं और उसको मतलब लाइक उस पर खेलते हैं। जैसे थ्री बिलबोर्ड्स में भी ना एक प्रॉपर रिवेंज स्टोरी थी किसी के साथ थ्री बुरा। बिलबोर्ड आई स्टिल लाइक, देयर वाज अ हाँ स्टोरी देयर। इधर क्या स्टोरी था बताओ मुझे। मतलब यार ये मेरे साथ तो हुआ है कि मतलब फ्रेंडशिप वाले जो ब्रेकअप्स होते हैं ना थोड़ा अंडररेटेड टॉपिक है, कि मतलब आपका दोस्त ही बोलते हैं कि भाई उधर से बात नहीं करनी, और सेमी घोस्टिंग या घोस्टिंग जब आपका दोस्त आपको आपके मुंह घोस्टिंग करना चालू कर रहा है, राइट। सो इस इमोशन पे मेरे को लगता है कि बहुत सटल चीज है, बट मैंने तो मतलब मेरा तो दोस्तों ने काटा है लाइफ में, तो मैं तो थोड़ा मतलब हार्डकोर रिलेट किया था कि आप इतना इवॉल्व हो गए कि यू जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद समवन, कि अब नहीं हो रहा ना तेरा फ्रेंड। तो ये थॉट इतना प्यारा है ना कि नहीं बनना होगा तेरा दोस्त, आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? दैट्स द थिंग कि आप इसमें ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते, बट टू शो हाउ बैडली आई डोंट वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, सो द थिंग दैट लाइक द गाय डज, कि नहीं तू समझ नहीं रहा भाई तो तेरा दोस्त नहीं है। आई नेवर लुक दैट मूवी फ्रॉम दिस एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज थॉट दिस इज सम काइंड ऑफ अ सब प्लॉट, जो प्लॉट बाद में खुलेगा, वो खुला ही नहीं। वो दे जस्ट स्टक टू द थीम, और मुझे इसलिए वो रिलेटेबल भी नहीं लगा क्योंकि वो तमाशा वाला ही सीन है, क्योंकि तमाशा काफी लोगों को बहुत पसंद आई थी। मेरे को नहीं है मुझे रणबीर कपूर पसंद है बट मूवी कुछ खास नहीं लगी मुझे। सेम सेम, बहुत बहुत चलो यस। सो मैंने आई थिंक इट्स द सेम जोन, क्योंकि रिलेटेबिलिटी का इश्यू है ना। अगर कोई जॉब में स्टक आदमी देख रहा होगा तमाशा, हाँ उस वो तो उस बहुत तो एस्केपिज्म है ना, एस्केपिज्म इज वेरी हाँ इजी टू सेल, थोड़ा सा एस्केपिज्म यार दिखा दो इवन इफ इट इज अ मीडियोकर प्रोडक्ट, लोग बोलेंगे फक क्या खतरनाक चीज है। नाइस यार, मूवीज पे हमने काफी सारी बातें कर ली, शोज पे भी कर ली, डॉक्यूमेंट्रीज, एनी डॉक्यूमेंट्रीज दैट यू वुड वांट टू टॉक अबाउट? देर इज इकरस ऑब्वियसली व्हिच इज माय फेवरेट नाइस, इक्रिस डॉक्यूमेंट्री। बहुत शानदार है यार। हाँ अभी एक मैंने पेप्सी का वो देखा था यार, वेयर इज माय जेट, पेप्सी वेयर इज माय जेट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री। बेसिकली दिस इज अबाउट एडवर्टाइजिंग ओनली। सो व्हाट पेप्सी डिड वाज, मतलब वो देखना तुम, मैं स्पॉइलर नहीं है। सो देयर वाज दिस थिंग वेयर तुम कुछ किसी चीज से पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो, एंड इफ यू हैव दैट मेनी पॉइंट्स गेट अ फाइटर जेट और ठीक है सम सॉर्ट ऑफ अ जेट। ठीक है, अब एक आदमी ने उसकी सनक गई तो उसने बोला कि ठीक है मैं करता हूँ। तो वो लोन ले लेके उसने, बिकॉज ही कैलकुलेटेड द होल थिंग कि मैं इतनी अगर पेप्सी खरीद के इतने पॉइंट ले लूंगा तो इट विल ऑलवेज बी लेसर देन द प्राइस ऑफ द जेट, सो आई विल बी इन प्रॉफिट। सो ही टुक सम ह्यूज लोन्स एंड ही कलेक्टेड दोज मेनी पॉइंट्स, एंड देन पेप्सी सेड कि ये तो मजाक है, ये तो हम सीरियसली थोड़ी कर रहे थे। सो दे डिडंट गिव द जेट, एंड दिस गाय वाज रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्स। वो अपना लीगल वगैरह सब लेके आया और एंड इट वाज अ प्रॉपर कोर्ट बैटल, एंड दिस इज अ केस स्टडी इन मेनी ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्कूल्स एंड ऑल, कि हाउ यू शुड नेवर डू फॉल्स एडवर्टाइजिंग, समथिंग विच यू कांट प्रॉमिस। बिकॉज तू अगर एड देखेगा ना, अगर तू एड देखेगा, एड वॉज स्कूल में जेट आता है और फिर वो आके ऐसा इतने तेरे पॉइंट होंगे तो ये जेट तेरा होगा, वो बच्चों को बोलता है। एड देख के तुझे लगेगा नहीं कि ये सीरियसली बोल रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि मुझे भी लगा था दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन जो कोर्ट में डिस्कस होता है. द अदर साइड इज लाइक कि तुम्हें कैसे लगा कि ये सीरियस है, ये तो एकदम बचकाना है. बट दे वर लाइक कि तुमने कहीं लिखा कि ये बचकाना है, तुमने तो सीरियसली सेल किया ना, और तुमने अगर सीरियसली सेल किया तो मैं सीरियसली लूंगा. 3 पार्ट की सीरीज है, काफी अमेजिंग है. Have you seen Mad Men? I haven't seen Mad Men. I want to see Mad Men. Bro, you have to watch Mad Men. I'm on season 6 right now. मेरा बहुत time से pending है. Currently, it's the only show I'm like properly. Succession वगैरह तो देख ही रहा हूँ, but like Mad Men मैं देख रहा हूँ. मैंने Succession भी नहीं देखा, Mad Men भी नहीं देखा, Last of Us जो भी है, क्या क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखा मैंने अभी तक. So I have to catch up. Mad Men मैं देखना चाहता हूँ. Mad Men मैं बता रहा हूँ, मतलब आपके लिए टेलर मेड है. आप मतलब ऐसे मेरे को मैं मुझे काफी लोगों ने यही बताया, इसीलिए देखना चाहता हूँ मैं. एंड सेकंड वो पेड्रो पास्कल वाला जो अभी चल रहा है ना, लास्ट ऑफ अस, लास्ट ऑफ अस, ये वाला, ये दो अभी बकेट लिस्ट में मेरे. ये श्रिंकिंग देखा तुमने एप्पल टीवी? नहीं. सो इट्स क्रिएटेड बाय द पर्सन, द राइटर ऑफ टेड लासो, ब्रेट गोल्डस्टीन. सो इट्स जेसन सीगल एंड हैरिसन फोर्ड. इट्स अबाउट थेरेपिस्ट्स, थेरेपिस्ट की लाइफ है. तीन तीन थेरेपिस्ट है, हैरिसन फोर्ड थोड़ा सीनियर है और जेसन सीगल और ये, एंड उनके लाइफ में क्या फकअप चल रहे होते हैं, बट स्टिल दे आर लाइक, वो पेशेंट को देखना तो पड़ता ही उन्हें, एंड हाउ दे आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, बट उनका खुद का वो हुआ है. वेरी वेरी नाइस सीरीज. एंड देन आई ये तेहरान वगैरह, तेहरान फौदा और ये सारा तो मतलब जनता देख ही रही है, सारी देखती है. That also because it's very quick TV, जो flight entertainment because काफी सारा travel हो जाता है आजकल, तो मतलब 2-2.5 घंटे आपके फटाफट निकल जाते हैं इसमें. आपके फेवरेट यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम क्रिएटर्स की बात करते हैं, यू कैन आल्सो रेकमेंड योर फेवरेट यूट्यूब चैनल्स इन दिस सेगमेंट. फेवरेट यूट्यूब चैनल फॉइल आर्म्स एंड हॉग. सो दीज गाइज आर स्केच, ये स्केच कॉमेडी करते हैं. तो आई एम अ बिग, ये भी मैं हम स्केच राइटर्स ही थे सारे. सो इट्स लाइक स्केच, एनीवन डजंट नो, इज 7-8 मिनट के छोटे कॉमेडी वीडियोस. दे आल्सो क्रिएट स्केच एंड इट्स इनसेनली फनी. इसमें जाके मैं हमेशा कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, लाइक वेन एवर आई गेट बोर्ड. 3 मिनट के 4 मिनट के वीडियोज हैं. देन आई आई एम अ बिग कोनन ओब्रायन फैन. So I would always randomly search anything which I have not watched of Conan or like catch up with his podcasts. So nice. Team Coco, उसका Team Coco और Spotify पे भी podcast है. कभी कभी I like Lex Friedman. It depends on the guest who is inviting. So वो बहुत सही है. Company man वगैरह ये सारे काम के लिए देखने पड़ते हैं, तो वो सारी चीजें अभी देख ही लेता हूँ मैं कभी कभी. पहले मेरा जसरेन बहुत फेमस था, अगर किसी ने जसरेन नहीं देखा है अभी तक क्योंकि उसने बनाने बंद कर दिए अभी. मेरा जब तन्मय के साथ एपिसोड हुआ था ना, एंड जसरेन के उन्होंने भी बात की थी, एंड वी वर लाइक अपकमिंग जसरेन, वेयर इज ही, व्हाट इज ही अप टू. हां वो अभी गायब ही हो गया, बट पुराने वाले देख लो यार, बहुत बहुत फनी है. बंदा ही फनी था वो. मैं आपको एक YouTube चैनल रिकमेंड करूं, मेरे को शुभम गौड़ ने किया था उनके साथ एपिसोड में, तो एक बंदा है, शायद आपको पता हो क्योंकि आपको खाने में भी इंटरेस्ट है, व्लॉग्स में भी है. एक बंदा है, इसका नाम है, उसके चैनल का नाम है आर राजेश व्लॉग्स. सो ये एक ट्रक ड्राइवर है और ये ऐसे इधर से उधर लाइक अपना ट्रक चलाते हैं, और ये संडेज को मटन बनाता है अपने ट्रक के अंदर, है ना. और इतना जेन्युइन बंदा है, और अभी ये 7-8 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गया है, और ये बताता है आज हम मटन बनाएंगे. तो इसकी मिजरी ये है कि ये हर बार जब भी मटन बनाता है ना कुकिंग वीडियोस, वो नॉर्मल ट्रक ड्राइविंग वालों से ज्यादा चलता है. और ये आके ऐसे खड़ा होता है ऑकवर्डली. अब इसके बच्चे ने इसको प्रोडक्शन वगैरह का भी सामान ला के दे दिया, ही हैज अ प्रॉपर माइक एंड एवरीथिंग नाउ. तो मेरे लिए तो फाइंड थी, बहुत प्यारा, बहुत जेन्युइन बंदा है. एक ब्लॉग ब्लॉग में मुझे उनका भी सही लगता था यार, आई फॉरगॉट द नेम, बार्टी एंड रॉनी, उनका वो सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छा है. या 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 सो समटाइम्स आई वॉच लाइक, कभी रैंडमली मैं उनका वीडियो फीड में भी रेकमेंड हो जाता है. इट्स वेरी वेरी नाइस, लाइक इवन इफ यू डोंट वांट टू सी दैट काइंड ऑफ कंटेंट, इट्स जस्ट विजुअली सो गुड दैट आप म्यूट पे भी देख सकते हो. Then Tanmay Bhatt is very nice. हाँ हाँ मैंने सुना है, कौन है, मैंने थोड़ा ज़्यादा देखा नहीं इनका. Tanmay Bhatt है, एक उभरता हुआ यूट्यूबर है. एक बार मैंने क्या बता, मैं ऐसे कुछ ऐसे छोटी सी पार्टी थ्रो की थी, और मैंने ऐसे कुल्लू को बुलाया था, लेकिन ऐसे फर्स्ट टाइम बुलाया था, कुल्लू आ जाओ कुछ करते, बॉम्बे में था मैं था. तो मैंने कुल्लू को फोटो भेजी,
ये देखो हम आपका वीडियो देख रहे हैं, लाइक जल्दी हो जाओ। कुल्लू इज लाइक, यार ये वाला मत देखो, रुको मैं एक लिंक भेजता हूँ, मेरा ये वाला वीडियो देखो। तो जब जब कुल्लू भाई जब उस दिन पार्टी में है ना, उन्होंने हमें कोई शादी वाला दिखाया, लाइक एक आप लोगों का रिएक्शन वाला, कि एक बंदा है जिसकी बाप को जाके बता रहा है कि मैंने शादी कर ली, पिटाई आई डोंट, रिव्यू। हाँ, वो फनी पिटाई रिव्यू तो फनी होते ही हैं। पाकिस्तानी था। यार सैवेज भी बहुत सही होते हैं, बिकॉज सारे होते हैं उसमें, जाकिर गोपाल सर और ये सब, दोज आर फन टू शूट एंड ऑल, बट एज सच कुछ मतलब इतना फेवरेट फेवरेट कुछ नहीं है। वन मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर, याद है मैं आपको उस दिन वॉइस नोट या कॉल कही तो मैं आपको बोला था, वो आपका केएल राहुल हाँ वाला बहुत सही लगते हैं यार आपका। एक बात बताओ, केएल तुम बहुत नीचे क्यों नहीं खेलते? नहीं, गली में क्यों नहीं खेलते? और अभी आपकी कौन सी रील देखी थी मैंने, जिसमें आप वो पिसे हुए प्याज की उनकी, अच्छा, वो भी बहुत सही था कि किसके पास टाइम है बारीक यार, बारीक कटे बारीक प्याज। कटे हुए प्याज। उसमें रणवीर ब्रार ने मुझे उसमें टेक्निक बता रहा था, फिर वो कैसे काटने हैं। मैंने कहा सर काटने ही नहीं है। अमेजिंग यार। और म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशंस? सो आई वॉज अ बिग मेटल हेड इन कॉलेज एंड स्कूल, तो मैं प्रॉपर वो लैम ऑफ गॉड, मेटालिका, स्लिपनॉट, ये सारे चीजें सुनता रहता था और डिस्कवर भी करता था काफी सारे नए बैंड। देन सडनली कुछ एक फ्लिप हो गया मेरा, जहां पे आई जस्ट फर्स्ट आई ट्रांजिशन टू गजल, फिर वो गजल से भी मैं ट्रांजिशन हो गया, अब मैं कवाली पे आ गया हूँ। सो एवरीवन इज नाउ थोड़े वो उस जोन में चले गए हैं लोग, कि मैं वो पार्टी में गाने बजाने नहीं देते, कि मैं यही सब कुछ ना बजाने शुरू कर दूं। बट दिस इज व्हाट आई लाइक टू लिसन, बट आई स्टिल मतलब मैं अभी वेस्टर्न तो सुनता ही हूँ, बट इन उतना उतने क्रेज के साथ नहीं सुनता कि पहले, जैसे आपने पिंक फ्लॉयड पूरी पूरी एल्बम ही पेल दी 2-3 घंटे बैठ के। ये वाला जोन मेरा हट गया है, मैं थोड़ा सा क्लासिकल म्यूजिक, शूबर्ट और ये बाक और इन सब में घुस गया, मतलब काम करते हुए ये प्रेफर करता हूँ। रैंडमली मैं फरीद अयाज, अबू मोहम्मद, इनकी कवालियां हैं या नुसरत साहब हैं या फिर गजल मेहंदी हसन या कोई भी, ये चला के बैकग्राउंड में, बिकॉज दीज आर 25-30 मिनट आराम से एक गाना होता है इनका, विच इज गुड इनफ। एंड आई ऑल्सो लाइक फॉर द लाइव, बेसिकली इट्स अ लाइव परफॉर्मेंस विच इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो आई लाइक इट। इट फील्स लाइक कि आप वहीं बैठे हो, बीच में बंदे को डांट भी रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो वो ऐसा घर का माहौल सा बना रहता है कवाली में, तो वो जोन मुझे पसंद है। बट इन जनरल अगर वेस्टर्न नहीं, आप कवाली रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन दे दो यार, वेस्टर्न नहीं चाहिए। मैं को ना वीर ज़ारा के गाने बड़े पसंद है, उसमें वो कवाली है ना, आया तेरे दर पे दीवाना, हाँ बड़ी पसंद है मेरे तो को। फरीद अयाज का तो कुछ भी आप सुन लो यार, घर नारी, कन्हैया, अगर किसी को कोक स्टूडियो थोड़ा सा वैसा वाला चाहिए, तो उन्होंने कोक स्टूडियो का पिया घर आया भी किया है। सो बेसिकली दे आर आमिर खुसरो और कबीर दास जी, इनके मोस्टली वो वर्क्स कंपोज करते हैं, तो भला हुआ मेरी गगरी फूटी और ये वाले, इन इस पे 30-30 मिनट की कवालियां हैं, विच इज नाइस, वेरी वेरी नाइस, एंड आई एंजॉय वेरी वेरी मच। कॉलेज में मेरा एक ग्रुप ही वैसा था, जहाँ पे पीपल वर लाइक म्यूजिशियंस या बैंड के वो थे पार्ट, तो आई एम ऑलवेज इनटू लाइक आई हैव ऑलवेज लिसन टू, मेरा एक डिसर्निंग टेस्ट भी डेवलप हो गया था निर्वाणा और ये यूट्यूब वगैरह ये सारे सुन के, फिर आई वेंट टू लिटिल ऑल्टरनेट, ऑल्टर ब्रिज चले गए, दिस काइंड ऑफ म्यूजिक विच आई लिसन लाइक 6-7 साल सुना, कॉलेज के बाद भी 2-3 साल सुना, अभी मैं सुन लेता हूँ कभी कभी, बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू प्ले आई वुड प्ले लाइक ऑल्टरनेटिव, बट इन जनरल नहीं। हो गया मेरा। नाइस। तो अब लाइक सम लास्ट लाइक फ्यू क्वेश्चंस, मैं आपसे कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस चाहता हूँ। एक मैं सवाल सबसे पूछता हूँ कि एनीथिंग दैट यू परचेज फॉर लेस देन 10,000 रुपीज, जो आप लोगों को रिकमेंड करोगे भाई ये वर्थ द इन्वेस्टमेंट थी? बहुत पहले किंडल लिया था, विच वॉज वेरी वर्थ इट, तो नाइस या अभी तो मुझे पता भी नहीं कि वो 10 से कम है या नहीं है। 10 में एक तो आ ही जाता है, आई थिंक एक आ जाता है नया 10 में। अच्छा हाँ, तो फिर किंडल ले लो, इट्स प्रॉपरली वर्थ इट।
या फिर आप एक मैंने अभी जस्ट रिसेंट लिया था, विच इज सच अ सिली रिकमेंडेशन. एक चार्जर है जिसमें आईफोन चार्जर है जिसके अंदर 3 स्लॉट्स हैं, ठीक है. सो दैट आई लव वेरी मच. ये 70 MBR का है शायद, ऐसा कुछ तो है. इसमें तीनों तीनों स्लॉट है, बिकॉज सारे चार्जर डिफरेंट होते हैं ना. आईफोन का वो लाइटनिंग केबल भी अलग है और वॉच वाला भी अलग है, और फिर आपको एक यूएसबी भी चाहिए जिससे आपका पावर बैंक चार्ज हो जाए. उसमें तीनों स्लॉट है, विच मेरे को इतना बढ़िया प्रोडक्ट लगा वो, वेरी नाइस। 4,500 का. बिफोर वी रैप दिस, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी रिकमेंडेशन जिसके बारे में हमने बात नहीं की एंड लाइक यू वुड वांट टू टॉक अबाउट? नहीं, हो गया यार ऑलमोस्ट सब कवर. तुम बताओ, तुम्हें कुछ भूल गए हो तो. कुछ ट्रैवल, खाने से रिलेटेड कुछ रिकमेंड करना चाहोगी? यार खाने से रिलेटेड, खाने में मैं वेजिटेरियन हूँ, इट्स अ ट्रबल फॉर मी, क्योंकि कोई मैं ऐसे, तो यू कैन रिकमेंड एनी प्लेसेस आल्सो और सम लाइक प्लेसेस दैट यू लाइक टू गो? क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली था, तो आई हैव ऑलवेज मिस्ड छोले भटूरे. मैं खा उसी पे बड़ा हुआ हूँ मैं, और उसके बाद मैं जब बॉम्बे गया वहां तो मिले ही नहीं मुझे. मैं बॉम्बे छोड़ दिया, फिर मैं बैंगलोर आया हूँ. वहां पे यहाँ पे भी मुझे पहले 4-5 महीने मिले नहीं थे, बट देन आई फाउंड टू वेरी वेरी नाइस रेस्टोरेंट. वन इज गोपाल जी कैफे, बहुत अच्छे पहाड़गंज जोन छोले भटूरे, एंड सेकेंड इज नटराज. दीज आर द थिंग्स इफ यू आर इन बैंगलोर एंड यू आर मिसिंग दिल्ली के छोले भटूरे. नाउ इफ यू आर इन दिल्ली एंड फ्रॉम वेयर टू हैव छोले भटूरे, देन देर इज चांदनी चौक में चाचा के छोले भटूरे है, एंड कनॉट प्लेस में अगर किसी को छोले कुलचे का शौक है तो एक लोटन दे छोले कुलचे है, इट्स कनॉट प्लेस एफ ब्लॉक आई थिंक. वो मतलब जन्नत है सर. तो आप मैं ओह तो एयरपोर्ट से उतर के मैं मेरा पहला मत्था वहीं टेकता हूँ मैं, तो मुझे सोच के भूख लग गई है. दिस इज माई फूड रिकमेंडेशन, लिमिटेड फूड रिकमेंडेशन, इफ यू वांट टू हैव छोले भटूरे एंड छोले कुलचे. कुछ मीठा वीठा भी कर दो सर, मतलब मीठे में अगर कुछ। मीठा, हाँ मीठा में क्या मीठा यार, आई एम नॉट अ स्वीट टूथ एज मच, बट आई विल टेल. इन बैंगलोर देर इज दिस बेकरी, मैग्नोलिया बेकरी. सो यस उनका ट्रेस लेचेस है जो विच इज फ्रेंच या स्पेनिश रसमलाई, दैट इज क्रेजी क्रेजी गुड, विच वी ऑर्डर लाइक एवरी ऑल्टरनेट डे, और मतलब वीक में दो यार, बार आ जाता है. सो दैट दैट इज, अगर आप बैंगलोर में हो तो आप वो ट्राई कर सकते हो. लाइक माई वाइफ इज बंगाली, तो उधर जाते हैं तो वो रसगुल्ले वगैरह मुझे वो भी बहुत सही लगते हैं. बट बंगालीज में वो होता है ना कि दे विल गो इन टू अ स्वीट शॉप एंड एक्सप्लोर ऑल द स्वीट्स, ये नहीं होता मेरे से. तो आई कैन एक्सप्लोर ओनली वन एट अ टाइम, जिसकी वजह से मुझे 30-40 साल लग जाएंगे मीठा खाने में सारा. एंड लाइक माय फाइनल रिकमेंडेशन, एप्स, एनी मोबाइल एप्स, कोई ऐप बताना चाहे, एप्स या वेबसाइट जो बड़े काम की हो? यार मुझे एवर नोट बहुत सही लगता है. आई राइट ऑल माई थिंग्स ऑन एवर नोट, मतलब गूगल डॉक पे भी लिख सकते हैं यार. अभी मैं पता नहीं एवर नोट क्यों करता हूँ यूज, बट मुझे बचपन से आदत पड़ी है, जब से फोन लिया था. उस टाइम पे सिर्फ यही था जो सिंक होता था. आप मतलब इसमें अगर मेल आईडी लॉग इन, और फिर आप कंप्यूटर में जाके लॉग इन करते हो, तो यहाँ जो लिखा वो वहां चला जाता. तो उस टाइम मेरा ऐसा दिमाग या उड़ गया था कि यार ये कैसे हो गया है कि मैं तो इधर लिखा था उधर आ गया. बट नाउ इट्स लाइक, अभी मैं ये बता रहा हूँ तो वियर्ड है क्योंकि गूगल डॉक और क्या क्या चल गया. तो बट आई स्टिल यूज दैट, एंड आई स्टिल मैं जो इंस्टा पे शॉर्ट स्टोरीज भी डालता हूँ वो उसी ऐप के स्क्रीनशॉट होते हैं. ये भी बहुत सारे लोगों ने वैसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऐप डू यू यूज फॉर राइटिंग. मैं कह भाई कुछ कहीं भी लिख ले यार, बट इफ इफ यू वॉन्ट टू नो दिस एवर नोट विच आई यूज फॉर राइटिंग, और एयरबीएनबी इज वन ऑफ दोज ऐप्स विच जो मैं रैंडमली करता हूँ सर्च. अगर बैठे हुए खाली वेले तो आई वुड जस्ट सर्च हाउसेस इन आइसलैंड एंड सी अरे कैसे हैं. मैं तो पता है आइसलैंड की लाइक फ्लाइट टिकट्स चेक करता रहता हूँ, फिर मेरे दोस्तों को भेजता हूँ, ये 1 वे अभी 1.5 लाख की आ रही है सर, लाइक वन वे टिकट। आई सेंड यू एन आइसलैंड स्टोरी दैट आई हैड रिटन, अगर तुम अरे आइसलैंड फैन आइसलैंड के हो. साथ है, दिल का रिश्ता है, मेरे को वहां पे जाना है भाई, वहीं सेटल होना है। एयरबीएनबी इस चीज के लिए भी यूज करता हूँ. मैं आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि किस दिन वहां पहुंच गए तो कैसे घर होंगे. तो मैं सारे कंट्रीज देखता रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो भी है. अमेजिंग, बड़ा मजा आया सर आपसे बात यस करके, आई होप आपको बिल्कुल भी आया हो। बिल्कुल, एंड मुझे भी आया.
आपका वो यार। रील वाले मोमेंटम से यूज्ड टू था। वैसे लोग हाँ ऐसे नहीं हो जाते कि अरे यार ये तो बड़ा नॉर्मली बात करता अरे तुम्हारे वीडियो में यही कमेंट आने वाले, केवी वाले वीडियो में भी यही कमेंट आए थे कि ये बोलता भी है, एक लाइन से ज्यादा ही बोलता है अपना गाना। है। जिस जिसको ये एपिसोड पसंद आया या नहीं भी पसंद आया तो भी आप चलचित्र टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बिकॉज मेरे से काफी अच्छे गेस्ट आ चुके हैं इधर और आने वाले हैं। सो यू आर इन फॉर अ ट्रीट इधर भी।